सरोकार। आईएसआईएस टेरर केस में मध्य प्रदेश में तीसरी गिरफ्तारी, कोलकाता से भी अरेस्ट हो चुके हैं दो शख्स। जोशीमठ में गिराए जाएंगे असुरक्षित भवन, भवनों को गिराने का अभियान आज से शुरू होगा। यूपी बोर्ड की डेट शीट जारी, हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं 16 फरवरी से। आईसीआईसीआई लोन फ्रॉड मामले में चंदा कोचर और उनके पति दीपक की होगी रिहाई। भूकंप के तेज झटके से कांपा इंडोनेशिया, रिक्टर पैमाने में 7.7 मापी गई तीव्रता। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के गैर शिक्षण कर्मचारी अपने रुके हुए वेतन और कुछ कर्मचारियों के रोजगार को लेकर काली पट्टी बांधकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एएमयू के लगभग 1600 कर्मचारियों ने दिसंबर महीने के अपने रुके गए वेतन और रोजगार के विस्तार की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों में विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे देखते हुए कर्मचारी सिर और हाथ पर काली पट्टी बांधकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बता दें कि गैर शिक्षण कर्मचारी एक बार फिर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और अगर विश्वविद्यालय प्रशासन ने जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वे हड़ताल पर भी जा सकते हैं। बहुत बड़ा तबका जो है वो टेम्परेरी एक जमाने से चला हुआ है और उसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन मुखलिस नहीं है। एक ज़माना हो गया, 10-10, 15-15, 20-20 साल हो गए, कई एक मरतबा सिलेक्शन कमेटी भी इन लोगों ने एडवर्टाइज़ की है और कोई ऐसा बंदा होगा जिसने के फॉर्म्स फिल ना किए हों तो क्या वजह है कि वो सिलेक्शन कमेटीज़ नहीं हुई और उनको परमानेंट नहीं किया गया। समझ में नहीं आता, आने वाला वक्त एडमिशन्स का भी है, नए सेमिस्टर्स भी शुरू हो रहे हैं। किया और 11 तक मैं डेली वेजर रही और 2011 में टेम्प्रेरी हुई, टेम्प्रेरी से आज ये वक्त आ गया है हम लोग का। ना कोई सिलेक्शन कमेटी है, ना कोई स्क्रीनिंग है। और देखिए, सिलेक्शन कमेटी किस बात की कराना चाहती है? स्क्रीनिंग से जब हमारी सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट जा रही है यहाँ से और मुस्तकिल हमारे चेयरमैन हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हमारे काम को अच्छा लिख कर भेज रहे हैं, तो क्या उनको यकीन नहीं है कि काम हम अच्छे से कर रहे हैं? और अब हमारी स्क्रीनिंग कराई जाए, हम लोग देखिए उम्र के इस हिस्से पर आ चुके हैं कि 40-40 साल हमारी 40+ एज हो रही है। बताइए, अगर स्क्रीनिंग कराएंगे तो नए आने वाले बच्चे, जाहिर सी बात है। कानपुर में नगर निगम स्वच्छ भारत स्वच्छ गंगा अभियान की धज्जियां उड़ाता दिख रहा है। बता दें कि एनजीटी के नियमों को ताक पर रख गंगा में नाले का पानी गिराया जा रहा है, तो वहीं जल शोधन सुपरवाइजर का कहना है कि उसे मालूम ही नहीं कि नाले का पानी गंगा में कैसे गिर रहा है। हाल यह है कि परमट घाट के कई घरों का सीवर सीधे गंगा में गिराया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिम्मेदारों पर सरकार का हंटर आखिर कब चलेगा। गंगा जी में पानी जा रहा है, नाले का गंदा है, यहाँ से जा रहा है और कहाँ जाएगा गंगा जी पानी? नहीं, ये जो नाला जा रहा है यहाँ पे गंगा जी में घाट के पास जो है, पानी लो है यहाँ तो ओवरफ्लो हो ही नहीं सकता। तो कहाँ से आ रहा पानी? ये नाले का ये फ्लो पड़ जाता है, सामने ज्यादा पानी छोड़ देते हैं, बताए तब चला जाता है। यहाँ पानी नहीं आता है? नहीं आता। आप लोग कहीं ना, मतलब यहाँ से पानी नहीं आता है ना? इस खबर पर हमारे संवाददाता उपेंद्र हमसे जुड़ेंगे। उपेंद्र, नमामि गंगे की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, गंगा में नाली का पानी बह रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? उपेंद्र, आपको आवाज आ रही हमारी? बता
बता दें नमामि गंगे की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, गंगा में नाली का पानी जा रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि जिम्मेदारों पर सरकार का हंटर आखिर कब चलेगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता उपेंद्र हमसे जुड़ेंगे। उपेंद्र, नमामि गंगे की धज्जियां उड़ाई जा रही है, गंगा में नाले का पानी गिर रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी मयूर, आपको बता दें जो देखा जाए जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये काटबो को जो परमा घाट का जो वीडियो जो आसपास के क्षेत्र है उसका पूरा तो गंगा जी में गिर रहा है, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत देखा जाए तो जो काटबो जो गंगा का पानी, गंगा में जो इतना बड़ा स्वच्छ अभियान चल रहा है, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट आ रहा है, उसको लेकर देखा जाए कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है बिल्कुल अपना पूरा हाथ साफ करता नजर आ रहा है। और देखा होगा वीडियो के माध्यम से साफ नजर आ रहा है कि जो अटकड़ी है उनका साफ पहनना है कि जो हो सकता है पानी ओवर फ्लो के चला गया, पर देखा जाए तो वीडियो में कुछ साफ क्लियर हो रहा है और अधिकारी साफ कर रहे हैं और उन्हें साफ कहना है कि जो गंगा का पानी गिर रहा है उसको जो देखा जाएगा उसको कार्रवाई की जाएगी। जी धन्यवाद उपेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। मैनपुरी में साईं बाबा जनकल्याण समिति के असहाय लोगों के आंखों के नजर के चश्मे और मोतियाबिंद के निशुल्क ऑपरेशन और दिव्यांग लोगों के उपकरण भी बांटे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि को रूप में जज नम्रता सिंह, तहसीलदार, मुख्य चिकित्सा प्रभारी और एसडीएम रहे। बता दें कि यह कार्यक्रम समाज सेवी नथुराम जी की पुण्यतिथि पर किया गया। चाहेंगे साईं बाबा जन कल्याण सेवा समिति एक सामाजिक संस्था है जो लगातार सामाजिक कार्यों में प्रयासरत रहती है। आज इन्होंने इसी कड़ी के तहत एक नेत्र चिकित्सा शिविर और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया है। इसमें आसपास के क्षेत्र से जितने लोग आए हैं उनको मुफ्त चश्मा उपलब्ध कराया जा रहा है और शारीरिक उनकी जो जांचें हैं वो जांच की जा रही हैं, दवाइयां दी जा रही हैं। और इस कार्यक्रम में यहाँ पे जो भी कार्यक्रम हुआ ये साईं जनसेवा कल्याण समिति के द्वारा ये अत्यधिक सराहनीय कार्य है। इस वक्त जो भी जरूरतमंद है उनको कंबल वितरण और जो चीज़ें हैं इनके नेत्र चिकित्सक द्वारा यहाँ पे जो भी संचालित किया गया है ये इनके लिए उपयोगी है। और साथ ही हम लोग के द्वारा जो यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराई गई है वो विधिक जी जनकल्याण सेवा समिति द्वारा पूरे प्रदेश भर में बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं और इससे पूर्व मैं भी कई काम किया और मैं तो ये कह सकता हूँ कि दीन दुखी को देख नेत्र जिनके गीले हो जाते हैं मानवता के दर्पण में वो और भी चमकीले हो जाते हैं। क्योंकि आज जो अरविंद जी के द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है उन्होंने अपने बाबा नाथुराम जी की पुण्यतिथि पर इतना बड़ा आयोजन किया, तमाम बुजुर्गों को अलीगढ़ में दूल्हे के साथ घूमने गए दुल्हन को पति बेहोश कर फरार हो गया। पति को जब होश आया तो उसने पत्नी की तलाश शुरू की तो पता चला कि वह अपना टूरिस्ट बैग लेकर फरार हो गई। बाद में जानकारी की तो पता चला कि पत्नी ने पहले ही किसी से शादी कर रखी थी, तो वहीं अब पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहा है, जिसके चलते पीड़ित ने सिविल कोर्ट में केस दर्ज करा दिया है। शादी हुई थी और जब हम मतलब हनीमून पर गए थे 8 दिसंबर में, तो इन्होंने यहाँ से ही मुझे बेहोश ले जाया गया। मुझे नशे में मतलब चाय में कुछ मिला के देती रहीं और पहले हम देहरादून पहुँचने के बाद हम मसूरी पहुँचे, वहाँ पे भी इन्होंने बेहोश रखा पूरे रास्ते भर। उसके बाद हम ऋषिकेश पहुँचे शाम को 6 बजे, 6:30 बजे इन्होंने मुझे ठरी खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद चाय पिलाई और जैसे ही चाय पी मैंने तुरंत मैं बेहोश हो गया और 6:40 पे मैं आया तो घर पे लड़ाई झगड़े चल रहे थे, फिर ये पीछे से कूद काट के इन्होंने घर में हमला करा। अच्छा, तो मैं अपना काम करता हूँ, काम पे गया। इसमें कितने लोग घायल हुए? इसमें मेरी माता जी के सर में चोट लगी है, घर पे है शमीम जेरा और इन दोनों के भाइयों के लगी है और एक छोटे भाई के ज्यादा लगी नहीं थी, उसे हम लाएंगे। अच्छा विवाद
हरदोई के पाली कस्बे में चोरों ने बंद पड़े मकान में रखे सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए, तो वहीं पीड़िता ने पड़ोसियों पर शक जाहिर करते हुए पुलिस को तहरीर दी है। तहरीर मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि बंद पड़े मकान में चोर छत के सहारे मकान में दाखिल हुए और बक्से का कुंडा तोड़कर सारा सामान चोरी कर लिया, जिसके बाद पीड़िता ने पड़ोसियों पर शक जाहिर करते हुए पुलिस को शिकायत दर्ज करा दी है। महिला की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कैसे गया, क्या हुआ? चोरी हो गई भैया। आप लोग कहाँ थे जब चोरी हुई? बहरार कहाँ थे? हरियाणा। आपको कैसे जानकारी हुई आपके यहाँ चोरी हुई? आपकी चोरी हुई गई, हमें जैसे सुने बैग मिले ही। हाँ। हमारी बहू वहाँ उन्होंने देखो ऐसे जीने पर से उजक के, तब मालूम भो, तब जैसे वो कटेल ले आई। क्या क्या गया चोरी में? अरे भैया सब चीज़ चलो गो, बेसरी हती, नांग वांग बेंदी हती, पायल दुई जोड़ी हती, गरुई हलुकी और जी हते हते हर सारी चीज हती, जैसे लड़का की बरात के लिए हमने धरत बनवाई के यहाँ झाले हते 25,000 के। पुलिस को सूचना दे दी। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने 1 करोड़ की हीरोइन पकड़ी है। बता दें कि पुलिस ने 1 करोड़ की हीरोइन के साथ 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। तो वहीं पकड़े गए तस्करों में से 1 बाराबंकी जबकि 2 गाजीपुर के रहने वाले हैं और मादक पदार्थों की तस्करी के गोर धंधे में लंबे अरसे से लिप्त थे। वहीं पुलिस अब पकड़े गए तस्करों के बाकी नेटवर्क को खंगाल रही है। जो स्वाट और सर्विलेंस की टीम है, ये काफ़ी दिन से मादक पदार्थों पे काम कर रहे थे, क्योंकि इसके लिए गाजीपुर कुख्यात भी है। तो रात में इन्हें एक सफलता मिली है, जिसमें 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जो अवैध मादक पदार्थों को बनाते भी थे और उन्हें बाज़ार में अपना ग्राहकों तक पहुंचाते भी थे। इनके पास पूरे प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। बता दें कि राजधानी में आज सुबह से पारा 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा ठंड महसूस की गई, जबकि कानपुर में इस बढ़ती ठंड को लेकर लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। बता दें कि हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक से 124 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सपा प्रमुख ने ठंड को लेकर मौजूदा सरकार पर हमला किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि इस सरकार में रैन बसेरे अलाव भी भ्रष्टाचार का शिकार है। गरीब सर्द रातों में सड़कों पर सो रहा है। इसके साथ ही कहा कि प्रदेश में कंबल वितरण की व्यवस्था जुमला और झूठे दावों के साथ प्रचार करने में सरकार व्यस्त है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।